इलाके के बारे में बताना है। बहुत अच्छी बात। अरे साहब देखे, मैं इलाके के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखे जब तलक एक डाकू गंगा सिंह रहा और शेरा रहा तब तलक तो शांति बनी रही, लेकिन एक नया डाकू इलाके में बहुत आतंक मचाया है। सुनिए, इलाके में को राम हरा का मचाया, डाकू का बहुत बड़ा आतंक है, इसलिए वो गिरफ्तार नहीं हो रहा है। इसका मतलब राका इलाके में तहलका मचाए हुए है। हाँ, अभी तक उसको कोई अरेस्ट नहीं कर रहा। नहीं, अरेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है सर, मैं आपसे वादा करता हूँ। तो वादा करके मैं जाता हूँ सर आपसे, वादा करके देखे, वो बहुत खोखा डाकू है और मैं ये देखना चाहता हूँ राका से कैसे टकराओगे और कैसे उसके हाथों में हथकड़ी पहनाओगे। मैं वादा करता हूँ आपसे, एक हफ्ते के अंदर अंदर राका और उसके साथी जेल की सलाखों में होंगे, ये मेरा वादा है। शाबाश, तुम जैसे हो ना पुलिस इंस्पेक्टर से मैं बहुत बड़ी उम्मीद रखता हूँ। ठीक है चौकीदार और कल्लू हवलदार चतुर्वेदी, देखिए तुम्हें विशाल के साथ सभी लोगों को जाना होगा और राका को गिरफ्तार करके बहुत जल्दी लाओ। ठीक है, ये बताओ क्या चौंक रहे, क्या है इनका? देखे थे किसको? देख रहे हो, हमको देख रहे हो? क्या है? जब ये मॉडल कर पुलिस आए तो कहा अपने आप ही आए थे। इनका देख रहे हो, पकड़ के अरे वारे लकड़ बखा सा है। चले बदतमीज के। अच्छा ये बताओ ये राका कहाँ पे रहता है? कहाँ रहा था? जेल पे। बताओ राका कहाँ रहा था? बोलो। ऐसा है राका, जब साहब गिरफ्तार करोगे तभी मिलेगा, वरना गिरफ्तार नहीं करोगे तभी नहीं मिलेगा साहब। बहुत जब गिरफ्तार करोगे तब मिलेगा, वैसे भाग जाइए।
बना नहीं नाई नहीं गिला तो राका कहाँ पर रहता है, बोलो राका कहाँ रहता है। अरे वो पीली पहाड़ी के किनारे रहता है। पीली पहाड़ी किनारे रहता और क्या किनारे हमको ना ऊपर पड़ जाने हमारी खोपड़ी चिटक जाए। इसका मतलब इसको ये भी नहीं पता है कि ये डाकू लोग कहाँ रहते हैं। साहब इनसे टाइम पूछ सकते हैं। सर मैं जानता हूँ राखा जो है वो काली पहाड़ी से लगा के पीली पहाड़ी तक रहता है। उसका जाने का रास्ता एक ही रास्ता है जिस पर डाकू लोग बम फेंट किए हैं। जो इंसान या जानवर निकलता है और उस पर दबाव पड़ता है वो धर्म से दग जाता है, उसी जगह मर जाता है। इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे। आप लोग नहीं जाओगे? नौकरी किस चीज की लेते हैं? अरे यार साहब हम मेहरवा क्या ना केले हो। अबे दो चार कौन होते हैं? बहुत नहीं देखा घर के मेहमान ही करे चले गए तो मेहरवा ने की जगह ठाटा काट दी। उससे ना बदतमीज कर उल्टी सीधी देखो। अरे धन्य धन्य हो गिरधारी काका। ये बताओ गाड़ी चलो वहां ले चला जाए क्या टाइम हुआ है? कई बजा अरे साहब अकेले का अत्याचार अकेले का अत्याचार कैसे हम ये क्या ये क्या क्या साले लगता है घूम रहे हो बदतमीज कहीं के। ठीक है चलो गाड़ी निकालो और चलते हैं काली पहाड़ी की तरफ। एक बात बताइए आगे आगे करो नखा तकाई नखा तका चलो तुम पाछे चला हम तुम्हारे पाछे हम रही इसका मतलब है तुम लोग डर रहे हो। डराय ना ऐसा देखो का मतलब हुआ तुम पाओ थे 24,000 ये पाओ थे 14,000 आई 14,500 पाओ और हम अरे साहब हम सबसे कम वाले हम पाछे रहा। ठीक है चलिए कम ऑन चलो कम ऑन हो क्या? अरे साहब साहब कुत्ता दबे साले बता रहे साहब कुत्ता सीआईडी कुत्ता भगा जा रहा है। ऐसे क्यों नहीं बता रहे उंगली इधर उठाते साहब कुत्ता मैं कहता हूँ साहब कुत्ता भगा जा रहा। ठीक है चलिए कम ऑन चलो क्या हुआ तुम हो चलते हैं? हाँ हम भी चलेंगे चलो डकहन को यहाँ पकड़ लिया हम डकहन पकड़ लिया हम। हाँ ऐसा पकड़ी हो बंदा नहीं ना इन्हीं की हो चाचा आराम जाते ही सागर और कौशल सिंह चीफ पे आऊंगा तेरी मौत लेकर के आऊंगा। साथियों शराब अब इस अड्डे को छोड़ करके दूसरे अड्डे पर चलूंगा। पीली पहाड़ी पे चला जाए जी हाँ बिल्कुल पीली घाटी क्या चारों तरफ पीली घाटी कंकर पत्थर पे सारे मैदान में हर तरफ पीली घाटी की आओ साथियों निकलो और फिर देखा जाएगा जो होगा।
दीवान पर आ गया मार गोली चुक सकता है मेरा नहीं खत्म हो गया अब पहल हथकड़ी चल मेरे साथ में इस पटर भी साल है नहीं आएंगे। ये कौन सा यार तुम लिए घूम इष्टिगान है इष्टिगान। ये बंदूक मैंने पहली बार देखा है या झीला माओ के आए कारतूस यहाँ से लगती है और निकलती यहाँ से है खटका इसका ये हिसाब देखो स्टैंड और स्टिगन रास या कह है स्टिगन स्टैंड। अच्छा ठीक है ऐसा करो तुम उस जगह छुप जाओ। हाँ झुकी जाइए चले झुकना नहीं छुपना है और तुम इधर छुप जाओ और तुम उधर हम छुपेंगे इधर आओ तुम इधर छुप जाओ इसके नीचे छुप जा। अरे दोस्त बने लकड़ बग्घा घूमते चलो जल्दी से जल्दी कम ऑन साथियों आओ निकलो यहां से निकल चलो क्योंकि अपने पास कुछ मसाले की कमी होने लगी है इसलिए निकल चलो। चलिए सर सीधा करो पहले इसका मतलब चौकीदार चौकीदार बहुत होशियार हो तुम्हारा प्रमोशन हम कराएंगे साहब 40 लोग कितनी डकैती डाल कोई कीमत कोई समय नहीं कितने हम लोग डकैती डालते हैं गरीबों को तुम लोग लूट लूट करके साले नहीं साहब गरीबों को हम लोग कभी नहीं सताए।